कुछ साल पहले जब हम दोनों खुद ही रेडी नहीं थे, 2017 में जाके हमारा वो रिश्ता और भी मजबूत हो गया। जब भी बिग बॉस आता है कोई ना कोई पॉपुलर फेस वहां से लोग डिमांड करते हैं। बिग बॉस में भी बुलाया गया एज अ भोजपुरी आर्टिस्ट, सो डेफिनेटली मेरा वो जर्नी तो मेरे लिए बेस्ट जर्नी है। रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट लेना है, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता उसको बिल्कुल नहीं देना। ऐसा लगता है कि गोला जो है अपने मम्मी पापा को पीछे कर देगा 3-4 साल में। ऐसा ही सब कुछ होता है, अब चाहे मैं आप चाहे कोई भी हो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज कपल गोल्स दे रहे हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ये जोड़ा आगे कब बढ़ेगा? जोड़ा जरूर बढ़ेगा। बहुत जल्द। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे हम लोग 2008 से साथ में है, 2017 में जाके हमारा वो रिश्ता और भी मजबूत हो गया, तो ये वो भी एक गॉड गिफ्ट ही था हमारे लिए, तो ये भी एक गॉड गिफ्ट ही होता है। तो जब समय आता है तो अपने आप आ जाता और है होगा। बट हाँ, बट ऐसा मतलब ऐसा भी था कुछ साल पहले जब हम दोनों खुद ही रेडी नहीं थे, बट नाउ वी आर टोटली रेडी। क्योंकि और मैं पर्सनली क्यों चाहूँगा, बिकॉज यू नो एक साउथ के तरफ का मेल और एक नॉर्थ, यू नो, और वो जो कॉम्बिनेशन आएगा एक दबंग इंसान वो मैं ईस्ट, मैं कोलकाता। हाँ कोलकाता, तो कोलकाता में भी लोग कोयता लेके तैयार रहते हैं ना। हाँ नहीं, बात तो सही है, मानना पड़ेगा। और हमारे यहाँ के ठाकुर तो भाई, हम तो बात भाई। तो सही है। मैं इनफैक्ट रॉकी रानी जब देखने गई थी तो मैं कई बार मैं अरे हमारे टाइप का स्टोरी चल रहा है, ही इज लाइक दिस ओनली, मतलब कुछ गलत भी बोलेंगे तो फुल कॉन्फिडेंट में बोलना है। आक्सिम नहीं बट गलत आक्सिम मैं नहीं, अभी बोल रही हूं। वो तो है, वो तो मैं बॉसेस आल्सो से, तू एक्टर्स को ऐसे झूठ बोल के आता है, मतलब तू किसी दिन कोई पकड़ लिया तो। बट रियली आई एम सुपरली एक्साइटेड फॉर यू नो, अगर जो भी आएगा वो कॉम्बिनेशन सच में डेडली होने वाला है, लेट मी टेल यू। थैंक यू। एंड वो ब्लेस्ड होगा बिकॉज वो ऑलरेडी फैन बेस लेकर आएगा। क्यों? उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि दोनों आप एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हुए हो, एंड वी हैव एग्जांपल्स लाइक भारती। जी जी बिल्कुल। ठीक है, जहां पर अभी गोला क्या है, गोला ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी। हां गोला मतलब काम करे नहीं करे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोला जो है अपने मम्मी पापा को पीछे कर देगा 3-4 साल में। मतलब आज ही वीडियो में अभी कुछ टाइम पहले ही देख रही थी, ओ पूरा रिएक्ट कर रहा है और पूरा कैमरा फ्रेंडली अभी से। हम लोग तो पहले शर्माते थे, नहीं नहीं करके फिर जाते थे, वो तो अभी से सब कुछ। इनफैक्ट आजकल के बच्चे भी बहुत ज्यादा, मतलब देख के मन होता है कि ये जल्दी आए। हाँ ओके, मेरे को एक और सवाल पूछना था, क्योंकि आप अपने दो अलग अलग फिटर्निटी को देखा है मनाली सनान, और सर भी ऑल में बहुत स्विच ऑन, यू नो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं। सो आई रियली वांट टू आस्क कि कौन सी फिटर्निटी इकोनॉमिक वाइज टाइम वाइज ज्यादा रिस्पेक्टफुल है? अगर आप भोजपुरी एंड टेलीविजन का पूछ रहे हैं, हिंदी टेलीविजन। हाँ हिंदी टेलीविजन। बट तो मैं ये कहूँगी कि मेरा अभी तक मतलब 125 मैंने भोजपुरी फिल्म्स किया है, भोजपुरी फिल्म्स करके ये जर्नी जो मेरा रहा है उसके बाद मुझे टेलीविजन में आके इतना ज़्यादा प्यार मिला। क्योंकि लेकिन मुझे अभी भी भोजपुरी से ही लोग समझते हैं, आज भी मुझे मैं कहूँगी कि भोजपुरी की वजह से ही हुआ है। मुझे बिग बॉस में भी बुलाया गया एज अ भोजपुरी आर्टिस्ट, सो डेफिनेटली मेरा वो जर्नी तो मेरे लिए बेस्ट जर्नी है जो मैंने इतने साल दिया है उसके बाद मुझे ऐसा। क्योंकि मैं अगर मैं बताऊँ, मैं टेलीविजन तो मैं जब से बॉम्बे में आई हूँ 2004 से ही मैं ट्राई कर रही थी, बट मुझे तो नहीं हुआ था। लेकिन मुझे अपनाया कौन था? भोजपुरी इंडस्ट्री, और इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना सब कुछ। आज मैं मतलब हर जगह पे मैं अपने लोगों को पाती हूँ और मुझे वो सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट जब मैं टेलीविजन के लिए भी शूट करने जाती हूँ तो वहाँ पे भी मेरे अपने लोग मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो एक सपोर्ट मिल जाता है, वो एक अलग ही एक यू नो कॉन्फिडेंस भी देता है इवेंट्स से लेके। इनफैक्ट कैंपेन्स भी मेरे सारे भोजपुरी से ही आते हैं, तो डेफिनेटली हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री से टेलीविजन इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे मॉनिटरी वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया से प्यार मिला है। वो पहले एक सिर्फ रीजनल जोन के जोन से ही था। हमारी शादी जब बिग बॉस में हुई उसके बाद का तो अलग ही एक मतलब हाँ अलग ही लेवल का हम लोगों को
वो पॉपुलैरिटी, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली टेलीविजन इंडस्ट्री में आने के बाद ज़्यादा मिला है, बट ये भी बिकॉज ऑफ दैट बैकग्राउंड, मुझे ऐसा लगता है. सर आपको क्या लगता है भोजपुरी में फिल्मों का फ्यूचर क्या है? अपने को लगता है कि हाँ शायद हम अर्न करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम खुश कहाँ पे हैं. जहाँ पे खुश रहें वहाँ पे 10 पैसा कम मिलता है तो वहीं उधर ही जाओ, ना कि जहाँ 10 रुपया ज़्यादा मिल रहा है और आपको थोड़ा सा होता ना कि मेंटली फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए. और अब की कहानी ऐसी हो गई है कि मुझे लग रहा है कि जब से ये दुनिया भर के ऐप्स आए हुए हैं ना, ये सारा चीज़ ऐसे खिचड़ी बन गया. अभी पहले था, मतलब पहले होता था कि अभी देखिए ना, जैसे मोना ने बोला इनको बुलाया गया था भोजपुरी इंडस्ट्री से यही करने के लिए. और बिग बॉस में मैं बता रहा हूँ कि जब भी बिग बॉस आता है कोई ना कोई पॉपुलर फेस वहाँ से लोग डिमांड करते हैं. हाँ. इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि इनको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं. हाँ. और वो मतलब कि जो नेशनल चैनल होता है वहाँ पे लाना चाहते हैं, और वो तभी लाते हैं जब बेनिफिट होता है. ऐसे तो कोई नहीं किसी को रिकमेंड करेगा या कॉल करेगा, तो वो एक चीज़ है. यहाँ पर भी मज़ा आता है और कुछ अपनी भी गलती होती है, कुछ अपना भी प्लस होता है कि हमको कैसे ढलना है. रही बात रिस्पेक्ट की, तो मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में आपको खुद रिस्पेक्ट लेके चलना है. ठीक है, रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट लेना है. जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता उसको बिल्कुल नहीं देना है. ठीक, तो वो खुद ही माहौल बन जाता है. वो चाहे कहीं पर भी, मैं मोस्टली जैसे कि मैंने TV में भी काम किया है तो मेरा तो बड़ा अच्छा सर्कल बन जाता है. बट मैं रिस्पेक्ट देता हूँ तब मुझे मिलता है वहाँ पे. ऐसा नहीं कि मैं सोच के आता हूँ कि मैं तो बिहार UP या फलाना ढिमका, ऐसा नहीं है. तो और अपने यहाँ की तो बात अलग हो जाती है कि वो एक अलग माहौल बन जाता है वहाँ पे. तो फर्क थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा. और हाँ, घूम फिर के कहीं ना कहीं पैसे की बात आ जाती है कि पैसा ही सब कुछ होता है. अब चाहे मैं, आप चाहे कोई भी होते हैं, तो आदमी उसमें भी काम कर लेते हैं.